नमस्कार, मैं प्रियंक श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आपको हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको सामुदायिक सहभागिता से संबंधित हिमाचल प्रदेश राज्य के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है चोरी पकड़ी गई। इस गतिविधि के अंदर शिक्षक सर्वप्रथम विद्यालय में अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की सूची बनाएंगे। सूची बनने के बाद वह इन बच्चों के माता पिता से पीटीएम के दौरान, एसएमसी की मीटिंग के दौरान या व्यक्तिगत तौर पर चर्चा करेंगे कि उनके बच्चे क्यों अनुपस्थित रहते हैं। चर्चा के बाद जहां उनको यह भी पता चला कि कुछ बच्चे विद्यालय के लिए निकलते हैं मगर वो विद्यालय नहीं आ रहे हैं, अनुपस्थित हैं वो, ऐसे में उन्होंने शिक्षकों ने एक शिक्षक समूह का निर्माण किया और उन शिक्षक समूह का ये दायित्व दिया कि उनको ये पता लगाना है कि आखिर ये बच्चे विद्यालय के लिए निकल रहे हैं तो जा कहाँ रहे हैं। ऐसे में जब इस चीज के पीछे जब उन शिक्षक समूह के दल ने इसका पता लगाया तो पाया कि बच्चे विद्यालय के लिए निकलते हैं घर से, लेकिन वो विद्यालय न आकर यहाँ वहाँ घूमने चले जा रहे हैं। जब इस बात की जानकारी उनको हुई तो उन्होंने अभिभावकों से पुनः सूचित किया और अभिभावकों के साथ मिलकर एक प्लानिंग किया, एक रणनीति बनाई और उस रणनीति में उन्होंने अभिभावकों से कहा कि बच्चे के विद्यालय और घर के बीच जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, जहां उनके कोई परिचित रहते हैं, उन परिचितों से भी इसमें सहयोग लिया जाए, समुदाय के लोगों को भी जोड़ा जाए कि वो बच्चा जो उसके अमुक परिचित का बच्चा है जो विद्यालय में नामांकित है, वह अगर विद्यालय जाने के समय दिखता है तो इसकी सूचना दें, अगर नहीं दिखता है तो इसकी सूचना उस अपने परिचित को दें कि उनका बच्चा आज नहीं दिखाई दिया विद्यालय जाने के रास्ते पे। इससे अभिभावक को भी पता चल जाएगा कि उसका बच्चा विद्यालय के लिए निकला है तो वह कहाँ तक पहुंचा और कहाँ से वह नहीं विद्यालय के लिए गया। इस पूरी प्रक्रिया से जहाँ बच्चे भी सतर्क हो जाएंगे और उनको यह पता चल जाएगा कि नहीं, वह हमेशा उनके ऊपर नजर रखी जा रही है तो वह विद्यालय ही आएंगे, वो इधर उधर नहीं घूमने जाएंगे। अगर कोई बच्चा इस तरीके से गलती करता है पुनः तो उसको पकड़ के जब शिक्षक या अभिभावक ले आएंगे विद्यालय तो उसको बहुत सख्त निर्देश दिया जाएगा, कहा जाएगा कि ऐसी गलती नहीं करनी है। अभिभावक भी उस पर जब नजर रखेगा और शिक्षक भी नजर रखेगा तो बच्चा ऐसी गलती नहीं करेगा। इन सभी गतिविधियों से, इन सभी प्रकार के प्रयासों से जहां एक तरफ अनुपस्थिति दर घटेगी और उपस्थिति बढ़ेगी, वहीं शिक्षक इससे नए नामांकन के लिए भी प्रयास कर अपने विद्यालय के नामांकन संख्या बढ़ा सकता है। हम आशा करते हैं कि यह नवाचार आपको अच्छा लगा होगा और आप भी अपने विद्यालय और कक्षा में इसको जरूर लागू करेंगे। इस तरीके के कई रोचक नवाचार हम आपको लाते रहेंगे, बताते रहेंगे और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारा ZIIEI का YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आप हमारा Facebook पे देख रहे हैं तो हमारा ZIIEI का Facebook पेज भी जरूर लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद।